डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश गुरुजी। आई एम महेश यादव। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम करेंगे लेट का फुल ऑपरेशन। जैसे कि लेट का अर्थ क्या होता है, लेट का यूज इंग्लिश में किन किन स्थितियों में किया जाता है, लेट का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, क्या टेंस में भी लेट का यूज किया जा सकता है, क्या लेट वाले सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है, लेट के फॉर्म्स क्या होते हैं, इस तरह की सारी बातें हम एक ही वीडियो में आपको दे देंगे, और वो भी कम से कम टाइम में। जी हाँ, मैं काफ़ी दिन से महसूस कर रहा था कि हम टीचर्स अपनी बात को आपको समझाने के लिए कई बार सेंटेंस को, वर्ड्स को बहुत बार रिपीट कर देते हैं, और वो चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो खुद ही जाके देखी तो मुझे पता लगा। तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि अपनी बात को, अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को कम से कम वर्ड्स में आप तक पहुँचाऊँ। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में अपन लेट को बेसिक से लेके एडवांस तक कम से कम समय में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। लेट के डिफरेंट यूजेज जानने से पहले लेट के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, लेट एक वर्ब है, एक क्रिया है। अगर इसके मीनिंग की बात की जाए तो अलाउ करना, किसी व्यक्ति को या खुद हमें भी कोई काम करने के लिए अलाउ करना, यानी करने देना, या फिर अंत में ने दो, जैसे मुझे जाने दो, आने दो, खेलने दो, या वह मुझे पढ़ने देता है तो पढ़ने देना, या फिर ने दो, ये दो अर्थ ये वर्ब देती है। अब चूंकि ये वर्ब है तो इसके फॉर्म्स की बात करें, इसका फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड भी लेट और थर्ड भी लेट, लेकिन जो फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, वो है लेटिंग। पर इसमें ध्यान रखना, टी डबल हो जाएगा, ये लेटिंग होगा, डबल टी आई एन जी। और फिफ्थ फॉर्म होगा लेट्स। फिफ्थ फॉर्म के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। प्रेजेंट इनडिफरेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, प्ले में कुछ नहीं आया, लेकिन ही प्लेज क्रिकेट, प्ले में एस लगा। तो इसी तरह से लेट में एस लगेगा यदि प्रेजेंट इनडिफरेंट टेंस में इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो तीसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए, लेट्स वर्सेस लेट्स, ये भी लेट्स है, ये भी लेट्स है, अंतर क्या है? इसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है और इसमें नहीं लगा हुआ। तो अगर इसकी बात करें तो इसको हम अभी देख चुके हैं, ये वाला यही है, और इसको आपने कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। तो जब इस तरह से लिखा होता है तो ये सजेशन, यानी सुझाव देने के काम में आता है। जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, लेट्स गो होम, आओ घर चलें। और जो ये लेट्स है, ये कॉन्ट्रैक्शन है लेट अस का, ठीक है, लेट अस का कॉन्ट्रैक्शन, यानी संक्षिप्त रूप है, यानी इस एस में अस छिपा हुआ है। आओ चलें, यानी एक सजेशन, एक सुझाव देता है, तो इनको एक मानने की भूल कभी मत करना। और एक चौथा इसका और पॉइंट है, लेट किराए पर देना, नहीं, लेट का अर्थ होता है किराए पर देना, इस अर्थ में भी ये काम में आता है। तो आइए अब हम देखते हैं लेट के डिफरेंट डिफरेंट यूजेज, कि ये कब, कहां, कैसे प्रयुक्त होता है। और ये है लेट का फर्स्ट यूज, या मैं कह सकता हूं कि लेट का सबसे पॉपुलर यूज। अगर लेट का यूज इंग्लिश में कहीं होता है तो इस तरह के सेंटेंस में सबसे ज्यादा होता है, और इस तरह के सेंटेंस आपने खूब देखे होंगे, सुने होंगे। जैसे लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट देम कम हेयर, उनको यहाँ आने दो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, हालांकि मैंने फॉर्मूला लिखा है, बट ये नॉर्मली आपको वैसे याद हो जाएगा, या आपको पहले से याद भी है, बस थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है। जैसे देखिए, सबसे पहले आता है लेट, उसके बाद हमारा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस वाले आते हैं, जैसे मी है, अस है, हिम, हर, देम, या कोई नेम भी ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में है, अभी आपको बता दूंगा इसका नंबर आएगा तब। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और खास बात, लेट के साथ हमेशा वी फर्स्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेस फॉर्म ही आती है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कुछ और है तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा, ये था ना हेयर, तो लेट हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो गया, ये वी फर्स्ट हो गई, और हेयर कुछ अदर है तो वो लास्ट में आ जाता है। सबसे खास बात बताऊं, अगर आप लेट को किसी सेंटेंस के शुरू में देख रहे हो तो वो ने दो अर्थ देता है, करने दो, जाने दो, आने दो, खेलने दो। अब आपको मना करना है तो लेट से पहले डोंट लगा दो, वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे डोंट लेट देम कम हेयर, उनको यहां मत आने दो। जैसे डोंट लेट मी स्पीक, मुझे मत बोलने दो। डोंट, ये तो बता ही दिया। डोंट लेट अशोक प्ले, अशोक को मत खेलने दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच सकते हैं कि भाई अशोक तो सब्जेक्ट है, पर ध्यान रखना कोई भी नेम ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। जैसे
माना मैं ये कहूं हरी काल अशोक, तो हरी सब्जेक्ट, हरी ने कॉल्ड बुलाया, किसको बुलाया, अशोक को, तो यहां पर जो अशोक है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी एक ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में सेंटेंस में आया है, तो यहां पर इसी तरह से अशोक भी ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेट सबसे पहले आए, उसके बाद कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आए, वी फर्स्ट आए, तो ये ने दो, आने दो, जाने दो, खेलने दो। आप दो चार सेंटेंस खुद लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, आपको ये अभ्यास में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और ये है लेट का सेकंड यूज टेंसेज में। जी हाँ, टेंसेज में भी लेट का यूज होता है, और हमेशा याद रखना जब टेंसेज में लेट का यूज होता है तो ये करने देना अर्थ देता है, जैसे वे मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं। अब पहली नजर में ये लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जी हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है, बट ये आम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें होता ना तो वे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहां पर आ रहा है खेलने देते हैं, तो कहीं दो वर्ब है, एक तो खेलना फिर एक खेलने देना, यानी उसको अलाउ करना, और अलाउ करने के लिए हम लेट लगाते ही है, तो ये बनेगा दे लेट मी प्ले क्रिकेट, वे मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे याद रखें कौन किसको खेलने दे रहा है, कौन पहले आएगा कौन पीछे आएगा, तो आपको एक ही फॉर्मूला, एक ही ट्रिक ऐसी बता रहा हूं, आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी है, जैसे ये सेंटेंस है वे मुझे क्रिकेट खेलने देते हैं, तो यहाँ पे अलाउ कौन कर रहा है, अनुमति कौन दे रहा है, वे, तो जो अलाउ करे वो सबसे पहले आएगा, जिसको अलाउ करे, जिसको अनुमति दे वो लेट के बाद आएगा, और लेट के बाद हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन आता है, जैसे मी, हिम, हर, देम, ये बात मैं आपको पिछले वाले में बता चुका हूं। तो सिंपल है, जो अलाउ करे वो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, जिसको अलाउ करे वो लेट के बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, वो मैंने आपको बता दिया मी, हिम, हर, देम आदि। तो दे लेट मी प्ले क्रिकेट। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मैं नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी, डू डज, बिल्कुल नॉर्मल है, दे डू नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट, डू हेल्पिंग वर्ब लगा दी, नॉट लगा दिया। तो अब देखिए, रवि लेट्स मी प्ले क्रिकेट, रवि मुझे क्रिकेट खेलने देता है, ये सेंटेंस होता तो रवि के साथ जो वर्ब है लेट उसमें एस और यस लगेगा, तो रवि लेट्स मी प्ले क्रिकेट, रवि मुझे क्रिकेट खेलने देता है। यहां पर आपको एक रोचक बात बताऊं, मैंने इसमें से एस हटाया, ठीक है, तो रवि लेट मी प्ले क्रिकेट, अब ये क्या है, क्या ये रॉन्ग है या राइट है, अब भी राइट है, इसका मतलब ये पास्ट है, क्योंकि लेट 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 यहां पर लेट सेकंड फॉर्म है, अगर एस नहीं लग रहा तो फिर इसका अर्थ क्या है, रवि ने मुझे क्रिकेट खेलने दिया था। मैंने कहा ना सभी टेंसेज में हम लेट का यूज करते हैं, तो ये रवि लेट्स मी, रवि मुझे क्रिकेट खेलने देता है। अब माना इंट्रोगेटिव बनाया तो कैसे बनाया, बिल्कुल सिंपल है, डज रवि लेट मी प्ले क्रिकेट, क्या रवि मुझे क्रिकेट खेलने देता है, सी लेट मी कम इन, उसने मुझे अंदर आने दिया, अब वो मैंने बात आपको पहले बता दी, एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, सी लेट्स होता तो सी लेट्स मी कम इन, तो वह मुझे अंदर आने देती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन सी लेट मी कम इन इसका मतलब है कि पास्ट की बात है, उसने मुझे अंदर आने दिया था। अच्छा, अब कंटीन्यूअस टेंस में कैसे होता है, तो देखिए वी आर लेटिंग देम प्ले फुटबॉल, वी आर लेटिंग, मैंने आपको बताया ना डबल टी होता है, तो हम उन्हें फुटबॉल खेलने दे रहे हैं, हम उन्हें फुटबॉल खेलने दे रहे हैं, अनुमति किसने दी, हमने, तो वी पहले आया, किसको अनुमति दी उनको, तो लेट के बाद आया। फ्यूचर टेंस में होता है आई विल लेट यू स्टे हियर, मैं तुमको यहां ठहरने दूंगा, मैं, अब अनुमति कौन दे रहा है, मैं, किसको, तुमको, तो आई पहले आएगा फिर विल क्यों आया, फ्यूचर है ना, दूंगा गागी के लिए, आई विल लेट यू स्टे हियर। अब माना इसमें ही ये नेगेटिव होता कि मैं तुम्हें यहां नहीं ठहरने दूंगा, तो सिंपल है, हम पहले भी देख चुके हैं नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई विल नॉट लेट यू स्टे हियर, मैं तुम्हें यहां नहीं ठहरने दूंगा। अब सबसे खास बात, लेट का यूज हम मॉडल वाले सेंटेंस में भी कर सकते हैं, करते हैं, जैसे आई कैन लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूं, मैं तुम्हें खेलने दे सकता हूं, अब मुझे तुमको खेलने देना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल है, आई चाहिए के लिए शुड लगाएंगे, आई शुड लेट यू प्ले, ये बन गया। तो इस तरह से हम मॉडल्स में, टेंसेज में लेट का यूज कर सकते हैं, करते हैं। और रही बात वर्ब की, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लेट के साथ हमेशा वी फर्स्ट आती है, इसका आप हमेशा याद रखना। देखिए इन सारे सेंटेंस में प्ले है, प्ले प्ले कम,
प्ले, स्टे सारी सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। और अब हम देखेंगे लेट का थर्ड यूज पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में देखेंगे हम दो तरह से, पहला इंपरेटिव सेंटेंस में जो कि खासकर होता ही है, और दूसरा टेंसेज में भी लेट का यूज पैसिव वॉइस में कैसे किया जाता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस आप जानते ही हो, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई आदेश दिया जाए, ऐसे सेंटेंस अंग्रेजी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डोंट से, प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होते हैं। तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, दरवाजा खोलो। इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो लेट से शुरू होगी, लेट। उसके बाद लाओ ऑब्जेक्ट, खोलो क्या, डोर, द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट हुआ। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगाते हैं बी, लेट द डोर बी। और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोला जाना चाहिए। डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। अगर नेगेटिव हो, मना करने का आदेश हो, तो देखिए लेट से ही शुरू होगी, लेट। ऑब्जेक्ट लाओ, लेट द डोर। अब चूंकि नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो नॉट, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बी, लेट द डोर नॉट बी ओपन। तो ये लेट से इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है, ऑलरेडी हम जानते हैं, बनाते हैं। अब टेंसेज के वाक्यों में अगर लेट हो तो पैसिव वॉइस कैसे बने, तो देखिए ही डिड नॉट लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने नहीं दिया था, ठीक है, डिड आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, उससे शुरू होगी, हमेशा ध्यान रखना, और वो मिलेगा आपको लेट के बाद। तो ही डिड नॉट लेट मी प्ले, उसने मुझे नहीं खेलने दिया, तो किसे नहीं खेलने दिया, मुझे, तो मी जब इधर आएगा तो किसमें, आई, सब्जेक्टिव केस में आएगा, आई। अब ये टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पैसिव में क्या लगाते हैं, वॉज वर्ब, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, आई वॉज, नॉट का नॉट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, आपको सबको पता है, तो यहां पर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है लेट, और जो प्ले है वो सेकेंडरी वर्ब है, ध्यान रखना, अलाउ वाली जो ऐसे सेंटेंस में जो दो वर्ब होती है, मैंने बताया था लेट मेन वर्ब होती है, और दूसरी जो वर्ब होती है वो सेकेंडरी वर्ब मानी जाती है, तो मेन वर्ब लेट ही है। अब लेट की थर्ड फॉर्म लेट ही होती है, तो यहां पर लगा दो लेट, आई वॉज नॉट लेट। इसके बाद आपको जो दूसरी वर्ब है उसके जस्ट बाद वो रख दो प्ले, और किसके द्वारा, ही, तो बाई हिम, तो ही डिड नॉट लेट मी प्ले, उसने मुझे नहीं खेलने दिया था, आई वॉज नॉट लेट प्ले बाई हिम, मुझे उसके द्वारा नहीं खेलने दिया गया था, वही सेंस आ रहा है। सी लेट्स मी ईट फूड, वह मुझे भोजन करने देती है, किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो उससे हमेशा पैसिव वॉइस शुरू होगी, तो ये भी किससे शुरू होगी, मी से ही होगी, तो आई। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव में क्या लगाएंगे, इज एम आर, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। और अब चाहिए थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, लेट, लेट की थर्ड फॉर्म लेट, आई एम लेट। उसके बाद जो दूसरी वर्ब है वो क्या है, ईट, और फूड को यहां पर रख दो बाई, सी उधर गया तो किसमें बदलेगा, हर में, तो आई एम लेट ईट फूड बाई हर, मुझे उसके द्वारा भोजन करने दिया जाता है, अब भी वही सेंस आ रहा है। तो इस तरह से लेट का पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। और अब हम देखेंगे लेट का फोर्थ यूज, लेट्स। अभी तक हमने देखे लेट के यूज, अब देखेंगे लेट्स। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है लेट अस का, जी हाँ, और इसका यूज ऑफर और सजेशन के लिए किया जाता है, ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज होता है। जैसे ये बहुत ही सिंपल है, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, मतलब ऑफर कर रहा है, सजेशन दे रहा है। लेट्स गो होम नाउ, आओ अब घर चलें। लेट्स गो फॉर अ मूवी, आओ चलो एक मूवी के लिए चलें। तो कोई ऑफर करना, सजेशन देना, तो ये आओ चलें, आओ देखें, आओ खाएं, इस तरह से इसका यूज होता है। और ये सेंटेंस में फर्स्ट में ही, शुरू में ही आता है, इसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा होता है, जिसका फुल फॉर्म है लेट अस। तो ये ऑफर और सजेशन में काम में आता है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम देखते हैं लेट का अंतिम और फिफ्थ यूज, लेट किराए पर देना, जी हाँ, लेट का अर्थ किराए पर देना भी होता है। जैसे दे हैव लेट देयर हाउस, उन्होंने अपने घर को किराए पर दिया है फॉर द होल समर, पूरी गर्मियों के लिए, तो यहां पर लेट क्या दे रहा है, किराए पर देना।
अब हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 होती है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में आपने कई बार देखा होगा, अगर किराए पर देना ऐसा किसी को एडवर्टाइजमेंट निकालना है तो ऊपर क्या होता है हेडिंग में, टू लेट, तो लेट का अर्थ क्या है यहाँ, किराए पर, यानी किराए पर उपलब्ध होना। तो इस तरह से भी लेट का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने लेट का फुल ऑपरेशन किया, कम से कम टाइम लेते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की। अगर आपको ग्रामर रिलेटेड अदर वीडियो चाहिए इसी तरह से फुल ऑपरेशन सहित, तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो में बहुत नॉलेज है, शेयर होनी चाहिए, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।